अरे कुछ बताएंगे आप क्या हुआ? अरे उस रात देवर जी से मैं धूत घर से गाड़ी लेकर निकले थे और रास्ते में उन्हें ट्रैफिक हवलदार ने रोका, फिर उन्हें किसी का फोन आया और वो ट्रैफिक हवलदार ने कहा कि देवर जी गाड़ी नहीं चला सकते और तब वहां पहुंचे। क्या क्या बोल रही हैं आप? ऐसे कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं आप। कोई नहीं पहुंचा था वहां। पहुंची थी डॉक्टर साहब। नहीं रानी, आप गलत बोल रही हैं। विक्रम ने मुझे फोन किया था, मैं गया था वहां, गाड़ी मैं चला रहा था। आप बेगुनाह, तो हम आपको जेल की सलाखों के पीछे कैसे देख सकते हैं? नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है डॉक्टर साहब। मना कर देने से सच ना ही बदल जाएगा डॉक्टर साहब। उसके बाद वो गुनहगार वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि विक्रम जी हालत में ना ही है, नशे में है, गाड़ी ना ही चला सकते, तो उन्होंने खुद उनको बगल वाली सीट पर रखा और गाड़ी घर के लिए चलाने लगी। रास्ते में विक्रम जी की हालत और बिगड़ गई और उन्हें संभालने के चक्कर में उनसे कुछ नहीं हुआ। उनसे कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उनसे, मैं कह रहा हूं ना आपको। उस रात को गाड़ी मैंने चलाई है, एक्सीडेंट मैंने किया है, चार लोगों की जान मेरी वजह से गई है, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। रानी सा को नहीं मिलनी चाहिए सजा। ये रानी सा का झुमका। उस दिन रानी सा से एक्सीडेंट हुआ था और ये हमें दुर्घटना स्थल पर मिला। मानता है कि जो कुछ भी रानी सा ने किया वो जानबूझकर ना ही किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ डॉक्टर साहब वो तो गलत हुआ ना। हमारे बाऊजी के इतने सालों की ईमानदारी का फायदा उठाया गया, चार लोगों की मौत हुई और उसके लिए हमारे निर्दोष बाऊजी जेल जाकर आए। जी तोड़ प्रयास किए हम उन्हें बचाने की और हमारी खुशी के लिए आप जेल चले गए डॉक्टर साहब। अब आप ही बताइए कि एक गुनहगार को बचाने के लिए और कितने लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं कि अपनी अम्मा से दूर जाने का दर्द, उन्हें खो देने का दुख कितना बड़ा होता है, लेकिन माफ कर दीजिए पर हमें ना चाहते हुए भी पुलिस को बताना पड़े। मेरी बात सुन, अगर रानी सा जेल चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। देखिए ये सच है कि रानी सा ने एक्सीडेंट किया, सच। लेकिन रानी ये भी सच है कि मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। मुझे जिंदगी दी है उन्होंने, मेरी मां है वो, सब कुछ है मेरी। प्लीज मुझे जेल जाते हुए नहीं देख सकता रानी, आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज रानी, आपको मेरी कसम है। गुनाह हुआ है, लोगों की जान गई है, तो उसके लिए मैं कर रहा हूं ना भुगतान, लेकिन रानी सा जेल नहीं जा सकती। और अगर हम आपकी बात मान गए तो आप जेल चले जाएंगे ना, हम कैसे जिएंगे? कैसे इस पाप को, इस भार को अपने सीने पर लेकर जिएंगे हम डॉक्टर साहब, बताइए हमें। देखिए इस बार आपको हमारी बात माननी होगी, ऐसे कि हमें रोकना होगा। देखिए हमें भी दुख है, बहुत दुख है, लेकिन इस दुख का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा, इस तरह टूट कर नहीं। मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए,
इतना तो दे सकते हैं ना आप मुझे? सब समझने की कोशिश कीजिए, वक्त नहीं है हमारे पास। प्लीज सिर्फ एक दिन का वक्त दीजिए मुझे, इतना तो रिश्ता है ना हमारा। प्लीज आनी, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है। ऐसा रुक जाइए, ऐसा मेरी बात सुनिए। बस अब कुछ और बोलने को बाकी नहीं रह गया है। जो सच तुम और हम छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, वो रानी के सामने आ गया है और अब सबके सामने भी आ जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया है वीर। ऐसा कुछ नहीं है रानी साहब, सच सिर्फ रानी के सामने है और किसी के नहीं। और अब बाकियों के सामने आने में देर नहीं लगेगी वीर। एक्सीडेंट हमने किया था और अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी और कियारा की सगाई की शाम थी, हम दोनों के बीच में भले ही दूरियां रही हो लेकिन हम खुश थे, सब खुश थे। आई थिंक विक्रम कुछ ज्यादा ही खुश था, उसने पी रखी थी, ही वॉज ड्रंक। हमें पता भी नहीं चला कि वो पार्टी छोड़कर कब बाहर चला गया, लेकिन अचानक हमें पुलिस से एक कॉल आई कि विक्रम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोककर हमें कॉल किया। हम तुरंत विक्रम के पास चले गए, हमने उसे संभाला। विक्रम पिया हुआ था और गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। हमने गाड़ी चलाई लेकिन अचानक विक्रम ने अपनी सीट बेल्ट निकाल दी। विक्रम को संभालने के चक्कर में हमने अपना बैलेंस ही खो दिया। हमने ब्रेक लगाने की पूरी पूरी कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं लगी और अनजाने में चार लोग हादसे का शिकार हो गए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम बिल्कुल डर गए थे वीर, हम नहीं चाहते थे कि ये किसी तीसरे पर आए। हमारा परिवार, हमारे तीन बच्चे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तब जाके रामाधीर ने अपनी वफादारी निभाई, एहसान किया उसने हमारे ऊपर। लेकिन वीर अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, हमारे परिवार की नींव हिल चुकी है। रानी की आज एक एक बोल हमारे दिल को चुभी, दिल चीर करके रख दिया उसने। लेकिन हम बिल्कुल नाराज नहीं हुए क्योंकि हम जानते हैं कि उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। वीर हमारी वजह से चार बेकसूर लोगों की जान चली गई। अच्छे और बुरे वक्त का सामना हमने हमेशा अपना सर उठा के ही किया है। कल हम जेल चले जाएंगे, जो कुछ भी होगा हम उसका सामना करेंगे। लेकिन अब ये बात हमसे संभाली नहीं जा रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होगा रानी साहब।
आप कहीं नहीं जाएंगे। रानी साहब मैं सब ठीक कर लूंगा। रानी ने मुझसे वादा किया है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रानी साहब लेकिन आप ये वादा क्यों निभाएगी? क्योंकि मुझे भरोसा है उन पर, मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। रानी साहब प्लीज देखिए आप रोइए मत प्लीज। ओके मैं बेटा हूं ना आपका, आपका बेटा हूं ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रानी साहब आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। एक्सीडेंट हमने किया है और अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाय हमारी जान, हमारी लॉटरी का टिकट, हमारी किस्मत की चाबी, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। हुकुम सटिया क्या है क्या? इस टीन के डब्बे के लिए आप अपनी चंपा को भूल गए? कितनी जोर से लगा मुझे। टीन का डब्बा नहीं, हमारी लाइफ टनाटन करने का जरिया है। बहुत कीमती है ये चीज समझी, और तुमसे तो कहीं ज्यादा। अच्छा ऐसा क्या है इसमें? बर्बादी, रानी की बर्बादी। बर्बादी? वो भी रानी की? मुझे बताइए ना। पहले तुम बताओ, अगर वीर ने रानी को कुछ करने से मना किया है क्योंकि उसमें इस घर की इज्जत का सवाल है, रानी सा की इज्जत का सवाल है, और फिर भी वो चीज हो जाती है, तो क्या होगा? अब तहलका मच जाएगा। बस वही है इसमें, वीर और रानी के रिश्ते को खत्म करने का श्योर शॉट उपाय। और जब ये बम फटेगा ना तो इसकी गूंज सिर्फ रजावत हाउस में नहीं पूरे जयपुर शहर में सुनाई देगी। हमारा मुंह काला किया, सबके सामने हमें घर से बाहर निकाला, हमें सड़क पर कुत्ते की तरह पीटा, चुन चुन कर बदला लेंगे। रजावत परिवार की नींव, आपकी माँ रानी सा का झुमका जो दुर्घटना स्थल पर मिला, अब आप ही बताइए कि एक गुनेगार को बचाने के लिए और कितने लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अगर रानी सा जेल चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप इस किसी को कुछ नहीं बताएंगे। राजेश्वरी ये क्या कर रही हो? ये एंटी एंग्जाइटी ट्रैंक्विलाइजर्स की मेडिसिन तुम कब से लेने लग गई, और वो भी इतनी सारी? देखो राजेश्वरी, मानते हैं कि वीर के केस को लेकर तुम परेशान हो, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। लाइए हमें दीजिए। राजेश्वरी हमारी शादी के बाद से हर साल हमारे बीच की दूरियां बढ़ती आई हैं, क्योंकि हमने जो किया वो, लेकिन ये वक्त एकजुट रहने का है, एक परिवार की तरह, और तुम तो इस परिवार की जान हो। अरे हमें तो ताकत ही तुमसे मिलती है।
ऐसे में तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो कैसे चलेगा? देखो राजेश भाई, वीर की मदद करने के लिए तुमने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता हम ये कैसे मान सकते हैं कि हमारी हार हुई? और वैसे भी वीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, चांसेस हैं कि वो छूट जाएगा। हौसला रखो, तुम थक गई हो, आराम कर लो। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा हमें सोने नहीं देगा। जो हम जानते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसका अंदाजा भी नहीं है आपको। और हालात ऐसे हैं कि हम जाकर भी आपसे सच नहीं कह सकते। ना जाने कल क्या होगा, ना जाने ये रात कैसे कटेगी। उसके लिए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही बहू जी। हमें जैसे ही लगता है कि चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं, वैसे ही खुद को उसमें खोया पाते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत दुविधा है। ये सच है कि रानीसा ने एक्सीडेंट किया है? वादा कीजिए मुझसे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आपको मेरी कसम है। हम चाहे जो भी रास्ता चुने बाबूजी, अंत में हार ही मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चुने हम। एक बात कहें बिटिया, हमारा काम उन कठिन रास्तों पर सिर्फ चलना है। वो रास्ते हमें कहां लेके जाएंगे वो बात पर हमारा कौनो जोर नहीं। तुझे औरों से अलग कौन सी चीज बनाती है? कि जो तू फैसला लेती है, जो काम करती है ना, वो दिल से करती है। देखो बेटा, दिमाग तो अपना काम करेगा, वो तो अपना गणित बिठाएगा, तुझे रास्ते से भटकाएगा भी, पर ये दिल है ना, वो तुझे विश्वास करना सिखाता है। और एक बात याद रखना कि विश्वास के साथ उठाए हुए कदम कभी डगमगाते नहीं है बिटिया। तो बस तू जो जरूरी है वो कर, अंत में हाथ में का आएगा वो की चिंता छोड़ दे, बस सच्चे मन से अपना कर्म किए जा। जी अब देर बहुत हो गई है, हम कल बात करते हैं आपसे, आप सो जाइए। ठीक है बिटिया, अपना ध्यान रखना और हिम्मत मत हारना, माता रानी तुम्हारे साथ है। चल रखते हैं। रामू गागा ठीक है? जी। किसी चीज की जरूरत है उन्हें? नहीं सब ठीक है। अच्छा है, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। विक्रम जी हालत में नहीं है, नशे में है, गाड़ी नहीं चला सकते, तो उन्होंने खुद गाड़ी घर के लिए चलाने लगी। रास्ते में विक्रम जी की हालत और बिगड़ गई और उन्हें संभालने के चक्कर में उनसे आप ही बताइए कि एक गुनेगार को बचाने के लिए और कितने लोगों को जेल जाना पड़ेगा। आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है, अगर अनिसा जेल चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अपनी खुशी के लिए आप हमें मजबूर कर दिए डॉक्टर साहब,
लेकिन इस कसम को कब तक निभा पाएंगे हम? निर्दोष होते हुए भी आपको सजा पाते कैसे देख पाएंगे हम? अब इस दुविधा से कैसे निकलेंगे हम माता रानी? एक्सीडेंट हमने किया था और अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे रहते रानी साहब को तकलीफ पहुंची तो कैसा बेटा कहलाऊंगा मैं रानी? मुझे विश्वास है कि आप अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे। सजा रानी साहब को नहीं, मुझे ही मिलेगी और उनके लिए मैं इसे हंसते हंसते अपने गले लगा लूंगा। इम्तिहान का दिन है आज माता रानी, हर सवाल का जवाब भी है हमारे पास, पर किसी से कह नहीं सकते। हर सच जान गए हैं हम, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सबके सामने उसे लाए कि नहीं। डॉक्टर साहब कसम दिए हैं हमें। आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है। अगर रानी साहब जेल चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब कसम दिए हैं हमें, उसे तोड़ के उन्हें बचाए या फिर अपना वादा निभा के उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दे। दिल और दिमाग के इस जंग में हम किसी फैसले पर नहीं आ पा रहे। इस दुविधा का समाधान करो माता रानी, अपनी भक्त की मदद करो। आपकी माता रानी हमारे साथ हैं भाभी साहब। आप टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं होने देंगे ब्रो को, कहीं नहीं जाने देंगे। मैंने और भंडारी सर ने रात भर बैठ के केस स्टडी किया, सारे पेपर्स तैयार किए, आज कोर्ट में फाइल भी कर देंगे। जज साहब से कहेंगे कि ब्रो के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केस को खारिज कर दीजिए। बस भाभी साहब प्लीज आप हिम्मत रखिए। चलिए इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ना हाय ना हेलो ना गुड मॉर्निंग, किसी की मैयत पे जा रहे हैं क्या? विक्रम ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादी साहब आप लोग इतनी सैड शक्ल लेके आओगे तो बातें भी सैड ही होंगी ना। अरे थोड़ा स्माइल कीजिए ब्रो, कहीं नहीं जा रहे हैं, केस से फ्री होकर वो हमारे साथ घर वापस आएंगे। ओके स्माइल। चलिए बात है विजय, तुम यहाँ पर? कोर्ट के ऑर्डर से ही आए छोटे कुंवर साहब, मुजरिम को गिरफ्तार करने।
गिरफ्तार करने? क्या बात कर रहे हो तुम ब्रो, यहाँ बेल पर हैं और थोड़ी देर में हेयरिंग के लिए भी जा रहे हैं हम। जब वीर अपनी मर्जी से कोर्ट जा रहा है, कहीं भाग नहीं रहा है, तो इस सब का मतलब क्या है? हमें सबूत मिल गया है हुकुम। दिग्विजय, ये सब क्या हो रहा है? मासा, हम देखते हैं, आप संभालिए अपने आप को। विक्रम, भंडारी को फोन करो अभी के अभी। वही कर रहा हूँ डैड। किसने दिए ऑर्डर्स? मुझे मेरे वकील से बात करने दो, अभी रुको तुम। को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर इस कहानी का अंत होने जा रहा है। रानी सा और मेरा परिवार सब सेफ रहेंगे और इसी में मेरी खुशी है। It's okay. नहीं, bye. It's not okay. हम कुछ रानीसा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या बदतमीजी है ये? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? कभी नहीं सोचा था जिनके सामने हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहा हूं, आज उन्हीं के हाथ में मुझे हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, माफ करना कुंवर साहब, लेकिन इनके खिलाफ सबूत है हमारे पास। सबूत? कैसा सबूत? हाँ, कैसा सबूत? उस रात गाड़ी रानी साई चला रही थी, वो एक्सीडेंट और चार लोगों की मौत इन्हीं के हाथों हुई है। वाला कीजिए मुझसे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आपको मेरी कसम है। हमें एक वीडियो मिली है जिसमें रानी सा ने अपना जुर्म खुद कबूल किया है। अब इतने बड़े सबूत को तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हुकुम।
अगर वीर ने रानी को कुछ करने से मना किया है, क्योंकि उसमें इस घर की इज्जत का सवाल है, रानी सा की इज्जत का सवाल है, और फिर भी वो चीज हो जाती है, तो क्या होगा? ये तो सीधा शेरनी परिवार कर दिया। ऐसे कोई भी फेक रिकॉर्डिंग देख के आप सबूत मान लेंगे? सारे सबूत सब झूठ है, ये वीडियो कुछ नहीं है। मैंने अपना गुनाह कबूल किया है विजय, इतना काफी नहीं है आपके कानून के लिए? रानी साह कहीं नहीं जाएंगी, समझे आप? माफ करना कुंवर साहब। कांस्टेबल, बिल्कुल नहीं। ये सब रोको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सबूत कहाँ है? बिना किसी वारंट के आप ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकते हो? वारंट? विक्रम, क्या है उसमें? विजय, तुम मॉम को नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते तुम मॉम को? हम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं, तुम ये अरेस्ट रोको अभी के अभी। सबूत का है? मैं लॉयर हूं, उनका सबूत देखना मेरा हक है। विक्रम, डू समथिंग, वो लोग ले जाएंगे मॉम को, कुछ करो। मिनिस्टर साहब फोन नहीं उठा रहे। राजेश्वरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। अभी कुछ नहीं हो सकता हुकुम, ये देखिए सबूत। एक्सीडेंट हमने किया है और अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी और कियारा की सगाई की शाम थी वीर, विक्रम कुछ ज्यादा ही खुश था, उसने पी रखी थी, हमें पता भी नहीं चला कि वो पार्टी छोड़कर कब बाहर चला गया। हम तुरंत उसे लेने गए, वो गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। हम स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गए, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त अचानक विक्रम ने अपनी सीट बेल्ट निकाल दी। विक्रम को संभालने की चक्कर में हमने अपना बैलेंस ही खो दिया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। झूठ है ये सब, बकवास है, फेक है। हमारी मॉम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। किसने भेजी आपको ये वीडियो? हाँ, किसने भेजी? देखिए ना, मॉम नहीं कर सकती है ना ऐसा। बोलिए ना इनको। हमें एक टिप मिली थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम अपना काम करो, हथकड़ी पहनाओ। इन लोगों को भेजे, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज मैं थोड़ा सा टाइम दो। इन्हें रोक दो प्लीज। विजय, सुनिए मेरी बात, ये सबूत, ये वीडियो, ये सब झूठ है। जो आदमी ने आपको ये भेजा है वो भी झूठा है। मैं कबूल कर चुका हूँ ना, एक्सीडेंट मैंने किया है, उन लोगों की जान मैंने ली है। आप जो सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है, मैं जज के सामने कबूल भी कर चुका हूँ, एक और बार कर लूंगा। बस जो हो रहा है तुम उसे रोक नहीं सकोगे। हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं, मैं वीर, रास्ता छोड़ो वीर। नहीं, विजय हथकड़ी को खोलिए, नहीं ले जा सकते आप। रोक दो, हटिए आप। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा, प्लीज नहीं जाने दूंगा आपको जेल। रोक दीजिए, प्लीज।
राजेश्वरी सिंह रजावत को अपने घर में बाहर की गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमें माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं रानी साहब। किसी भी लायक नहीं हो तुम। झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने के लिए किसी को पीएचडी की जरूरत नहीं है। हमारे ही घर से हमारी मॉम की और भाई की बातें रिकॉर्ड करके पुलिस में दे दी। हमारे हाथ लग गया ना वो इंसान तो हम उसको जान से मार देंगे। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, नंदिनी, जान से मार दोगी तो आप भी रानी साहब की तरह जेल में। नंदिनी, एक बात कहनी है आपसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से कहें। बात? कौन सी बात? पूरे जयपुर में रजावत खानदान के नाम पर आग किसी और ने नहीं बल्कि रानी ने लगाई है। आप तो हमारे फैमिली कनेक्शंस जानती हैं, बस वहीं से खबर निकलवाई है हमने। रानी ने ही वीडियो बनाई थी और उसी ने पुलिस के पास भेजा था। वैसे भी भूखी शेरनी की तरह वो मुजरिम को ढूंढ रही थी। बात करते हुए सुन लिया होगा उसने, मौके का सही फायदा उठा लिया गाँव की लड़की ने। बताओ, एक नौकरानी ने रजावत परिवार की रानी सा को छे। हमारा मतलब, हमें रानी सा के जेल जाने का बहुत दुख है। हम तो उन्हें माँ की तरह मानते हैं, पर रानी ऐसा नहीं सोचती। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें जितना भी सीने से लगा लो एक न एक दिन पीठ पर खंजर। एक धमाका रानी साह को जेल भेज कर किया, अब दूसरे का इंतजार है जब वीर रानी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। हार गई, हार के बेकार हो गई बलिया वाली रानी, इस घर से बाहर हो रही हार गई। हुकुम का फोन। हाय मेरे राजा जी, कैसे हैं आप? जीत से पहले ही खुशी मना रही हो चंपा डार्लिंग? क्यों ना मनाओ, आप जैसा मटर माइंड जो है मेरे साथ। मास्टर माइंड होता है मटर माइंड, और अभी सिर्फ एक प्लान पूरा हुआ है, एक और पूरा होना बाकी है। सही जगह सही खबर पहुंचा दिया हमने। सच्ची? तमाशा होने वाला है चंपा डार्लिंग, लाइव नजारा देखने के लिए तैयार हो जाओ। जी। अब आएगा असली मजा। ये राजेश्वरी रावत है ना, ये सलाखों के पीछे क्या कर रही है? मुजौरी बाजार वाले एक्सीडेंट के पीछे इनका ही हाथ है, अब असली बात सामने आएगी तो यहाँ। रामनाथ जी सर, निकालो इन्हें यहाँ से, वरना इन्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। चलिए आप लोग बाहर चलिए। रानी सर,
राजेश्वरी, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम तुम्हें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकालेंगे। थैंक गॉड आपने फोन कर लिया, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वक्त किसी का नहीं होता है वीर, हमने बहुत कोशिश की उससे लड़ने की, लेकिन उसने हमें वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां पे हमें होना चाहिए था, इन सलाखों के पीछे। उदास मत होइए वीर, हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, तुमने अपना फर्ज निभाया, लेकिन जो होना था वही हुआ, हम आज सजा काट रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही हो रहा है वीर, और ना तुम ना मैं ना कोई भी इसे बदल नहीं सकता, यही सच है और शायद यही सही है। चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, आप जानती हैं कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ रानी साहब, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ये वादा है मेरा आपसे। सही तब होगा रानी साहब जब आप इन सलाखों के बाहर होंगी, इस गलत को सही करके रहूंगा मैं। आप पर एक भी आंच ना आने देने का वादा किया था मैंने, और वादा निभाना भी आप ही से सीखा। इस सबके पीछे किसका हाथ है ये तो मैं पता लगा कर रहूंगा रानी साहब, लेकिन साथ ही साथ आपको भी बाहर निकाल कर रहूंगा, इंतजार कीजिए, मैं वापस आऊंगा रानी साहब। आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है, प्लीज।